हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूटन के तीन लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और इस वीडियो में आपको मैं केवल उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब और तीनों लॉज को याद कैसे रखना है वो बताऊंगा। जो 9th 10th वाले बच्चे रहते हैं उनको याद करने में दिक्कत आती है, बाकी 11th 12th वाले बच्चों को तो नॉर्मल होता है, तो उनके लिए स्पेशली है ये वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। उसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसके अकॉर्डिंग अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in motion unless it is acted upon by an external force। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो। और वैसे ही अगर कोई बॉडी रखी हुई है उसकी जगह पर कहीं पर, तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते वहीं पर रखी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी पोजिशन में। ये पहला लॉ ऑफ मोशन है। ये डेफिनेशन आप लिख के रख लीजिए और जो मैं बोलने वाला हूँ वो भी याद रख लीजिए। जैसे इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इनर्शिया है वो, लेकिन इस तरीके से याद रखना कि इन रशिया, मतलब रशिया में लोग जो होते हैं वो चलता है तो कोई चलता ही रहता है, कोई बैठा है तो बैठे ही रहता है, जब तक उसको बोलते नहीं अपन कि भाई सुन उठ, बहुत टाइम हो गया कब से बैठा है, मतलब उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाते जब तक बैठे ही रहता है, मतलब उसकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। वैसे अब जो दूसरा लॉ है उसके अकॉर्डिंग अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। मतलब जो फोर्स लगता है किसी बॉडी पे तो उसके मास के और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन लिख सकते हैं फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसको कैसे, जो मैंने इसको याद किया था तो इस तरीके से लर्न किया था कि फोर्स जो होगा सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, माँ के पास, इस तरीके से याद किया था मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के लिए एक अपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब इसको इस तरीके से याद रखिए, जैसे ये लॉ है गांधी जी के अपोजिट। गांधी जी कहते थे कि पहले गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए, लेकिन ये लॉ वैसा नहीं है कि दूसरा गाल भी आगे कर दिया, ये जितनी जोर से उसने मारा उतनी जोर से उसको दूसरे गाल पे मारो। एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन, गांधी जी का लॉ के अपोजिट है, ठीक है।